विराट के बघेली समाचार में अपना पंचन के स्वागत है। हम हैं अपना पंचन के साथ स्वाति। खबर के शुरुआत करी थे रीवा जिले से, जहां दुई नाबालिग बच्चियन के साथ उनकर सक चाचा दरिंदगी के सगली हद पार कर दीस। अपना पंचन का बताए दे कि हैवानियत के शिकार भय अबोध बच्ची का चोटो आई है, जेके बाद बच्चियन के महतारी थाने पहुंची और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जेके बाद पुलिस मामला पंजीबद्ध कर आरोपी का अभिरक्षा में ली सी। बताए दे कि पीड़ित बच्चिन का मेडिकल परीक्षण के खातिर अस्पताल भिजवावा गया है। बतावा जाता है कि लौर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला 1 दिसंबर का अपने दुई बेटवा और एक बिटिया का स्कूल छोड़े गई रही। वहीं दौरान बच्चिन के चाचा 15 साल के बच्ची के साथ यह घिनौनी वारदात का अंजाम दीस। अपना पंचन का बताए दे कि आरोपी के द्वारा धमकी दीन गई रही और मारपीट की गई रही। बतावा जाता है कि उक्त आरोपी 7 साल के भतीजी का हवस के शिकार बनाए रहा। वो वक्त लोक लाज के डर से परिजन थाना में घटना की शिकायत दर्ज नहीं करवाए रहे, जेके बाद आरोपी के हौसला और बुलंद होगा और वह 15 साल के बच्ची के साथ खौफनाक घटना का अंजाम दे डालिस। आई सुनी थे यह घटना का लेके एडिशनल SP अनिल सोनकर का कहा थे। अगली खबर अवल रही रीवा जिले के लालगांव से, जहां महिला के मौत और ओखे बाद पीपल में पानी डाले जा रहे वृद्ध के ऊपर हमला बोल दीनगा। आरोपी के नाव शुभम यादव है। पुरान रंजिश के कारण यह घटना कीन गई रही ही। वृद्ध का इलाज के खातिर संजय गांधी में भर्ती करावा गया है। अपना पंचे सुनी कि का कहा थी यह घटना का लय के परिजन। क्या नाम है जिसने मारपीट किया है? उसका नाम है राम प्रसाद सुगन। कहाँ के रहने वाला है? लालगांव संघर्षा। ये कहाँ गए थे नाने? अरे घर से ऐसे 500 मीटर दूर। वो परिवार के हैं कि? परिवार के। काहे से मारे हैं? अब साहब के राहत नहीं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामनाथ यादव। कितने लोग हैं? और ये कौन भाई है आपके? ये बब्बा। बब्बा है। क्या नाम है इनका बब्बा का? शंकर यादव। कितने लोग घायल हुए हैं? मार दिए अचानक मार दिया वो नहीं से यादव। ये क्या घटना हुई है? घटना ये सब गए थे वो नहवाने पीपर है, परसाल दादी खत्म हो गई थी, गए थे पीपर नहवाने। तो पीपर नहवाने में हमारे घर में कोई नहीं था, तो वो मारे। रोशन लाल मरवाने वाले थे, सुगन यादव मारने। क्या पहले कुछ विवाद है सब? नहीं, विवाद कुछ नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं पहले हो गया। पहले ऐसे घर में जाके वो किए थे, इसके बाद हो गया मारा पीट कर दिया। वो विवाद तो कुछ हुई नहीं। जो घायल हुआ इनका क्या नाम है? शंकर यादव। कहाँ की घटना है? सोनबरसा लालगांव थाने में। थाने में रिपोर्ट डलवा दिया। थाना लालगांव जी, थाना चौकी लालगांव। चौकी लालगांव। अगली खबर रीवा जिले के संजय गांधी से ही, जहां नवविवाहिता के मौत हो गई रही ही, लेकिन मायका और ससुराल पक्ष वाले सबका लयके जाए के खातिर लड़े लागे। और यह कहा जाता है कि सब ससुरे वाले घर ले जाए चाहत रहे हैं और उहन ओखर अंतिम संस्कार करावे चाहत रहे हैं, लेकिन मायके वाले दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाई और अपने घर सब ले जाए चाहत रहे और यही कल के बातचीत शुरू हो गई। आइए अपना पंचे सुनी ये मामला कल के दोनों पक्ष का कहा था। क्या नाम है आपका? राम जी साहब। कहाँ के रहने वाले? मासा। क्या घटना? ये घटना ये ऐसी हुई जैसे बोल रहे हैं। ये लड़की हैं आप जी? तो कब खत्म हुई? कब मृत्यु हुई? आज। आज बॉडी के बाद ये चल रही सर जी, कि हमारा कहना ये है कि आप ना वहाँ ले जाइए ना हम ले जाएंगे, आप सीधे चलिए मेरे साथ इलाहाबाद बर्बाद दीजिए, बस हो गया। और लड़का बुलवा ले, लड़का आगे दे दे, हैं आग दे दे, जैसे जिंदम जलाई से उसे मरे में जला दे। बोल रहे हैं कि पुलिस वाले वहाँ बैठाए हुए हैं, हैं इसलिए ये झगड़ा चल रहा है। हम पैसा दें आधा आधा मैं भी लगा रहा हूँ, मेरी लड़की है। तो कल नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम घर ले जाएंगे, तो हम कल नहीं ले जा देंगे। उसको लेकर विवाद चल रहा जी। सर बुला लगे कि हमारा अर्चना साकेत नाम है, हमारे नाथ को बुला लगे 17 तारीख को 18 तारीख को सुबह 6 बजे आग लगा के बार दिया मट्टी के तेल ना की। हम लोगों का फोन लगाई जले में नहीं कि हम आइए भैया हमको ले चलिए, हमको बार दिए हैं। हम लोग पहुँचे उन ससुराल वाले कोई नहीं थे, हम बचे मैहर में लाए, फिर मैहर से सतना ले आए, सतना से फिर रीवा ले आए। क्या नाम है वो लड़की का? अर्चना साकेत। यहाँ महासाव के रहने वाली? हाँ जी सर। कहाँ पर शादी हुई थी? यही पिपरा प्रबंध में। थाना वहाँ कौन सा लगता है? बदेरा। ये आपको कब जानकारी हुई कि ऐसी घटना हुई? सुबह 6 बजे आज 18 तारीख को। क्या कुछ मांग थी? क्या? हाँ दहेज मांग रहे थे सर। बहन की शादी हुई थी पुलिस लाइन में सम्मेलन में, उन लोगों के वजह क्या थी कि उनका भाई मझला वाला, उसका नाम है बल्लू,
साकेत, भाई का नाम है लल्लू साकेत, लल्लू लाल साकेत, और पिता का क्या नाम है, सुखाई साकेत, और महतारी। ये चार जन मिल के कष्ट दे रही बहनी के मरे के तोर सम्मेलन में बाप पैसा पैसे 1.5 लाख रुपया वह हमका नहीं दिन से तो बेर के बेर जाते लेकिन नहीं होते आए ऐ तो यह मैं कहनी केस उनका खूब चलत रहा। घटना कैसे होगी? ये घटना आग लगा दिए उसी दिन 17 तारीख मेरे घर से लेके गए बुला के और नाइट में भी मारे जब लेके गए हैं। इसके बाद सुबह जब मेरी बहन फोन लगाई भैया मेरे को बार दिए हैं आग लगा दिए हैं मिट्टी तेल डाल के, तो हमने तुरंत गुड़ थाना जा रहे थे। मेरी बहन बोली भैया तुम उधर ना जाओ हमारे पास आओ जितना जल्दी हो सके, तो हमने वहाँ गया मैहर, तो मैहर में उसके होश नहीं थी बहन की, बात दूसरे मोबाइल से मेरी बहन लगवाई थी। इसके बाद जब मैहर पहुँचा तो वहाँ तहसीलदार आए बयान लिए बहन के मेरी, जब से बयान हुआ तो उस पक्ष के लोग जितने थे सब भाग गए घर में। बोला कि दवाई कौन करेंगे, मैहर से सतना रिफ़र करें, तो बोल रहे हैं वो पक्ष वाले कि तुम लोग जबरदस्ती रिफ़र करवाए हो, तो सतना जब लाएँ उसको रेफर करके तो उन लोग पूछा ना कि दवाई तू बनजे करवाओ कि हम लोग करवाई, तो वो कहें कि हम लोग करवाओ। आज जितने कहीं था तो वो नहीं आया, जितने बोलिन तो उठे उस पक्ष से कोई आया है नहीं। उस पक्ष से ऊँ आए हैं जब उठे नहीं बोलिन था कि हम दवाई करवाओ, ऊँ व्यक्ति आए जब बोले रहे व्यक्ति कि हम दवाई करवाओ एक थे नहीं आया है। अगली खबर में बात करी थी रीवा जिले के जहां सिटी कोतवाली के वार्ड नंबर 1 के निपनिया मां संत शिरोमणि मंदिर मां चोरी हुई गई, जहां 8 किलो की घंटा और कीमती सामान चुराए लीन गया रहा। यह घटना की शिकायत सेन समाज के पदाधिकारी पुलिस के लगे कैदी नहीं। चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, ये कौन सा मंदिर है? सेन समाज का। कौन सा मंदिर है सेन समाज का? सेन समाज का मंदिर है। यहाँ चोरी हुई है? हाँ चोरी हुई है। क्या क्या सामान गया है? एक घंटा गया है, एक घंटी है, लोटा है और सामान है मंदिर के। कितने किलो का घंटा बता रहे साथ आपके? हमको नहीं मालूम इसके विषय में, वो भी समाज के लोग बात। यहाँ बेटा कब हुई है चोरी? कब हुई है? वो बताए वो समाज का है तो हुई कब है? ये परसों रात में इसकी शिकायत हुई है। हाँ शिकायत हुई है। अगली खबर आवल रही रीवा जिले से जहां झुरहा तलाय से अवैध कब्जा का हटावा गया है। यह शिकायत मिली रही कि अवैध कब्जा है, एक हर जांच करे अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह गे रहे और अतिक्रमण खाली करावे का बोले रहे हैं और ओखा मुक्त कराए दिन गा है। तालाबों पर से सामान्य रूप से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। सरकार के शासन के निर्देश ही जल स्रोतों को जल संरक्षण के अंतर्गत इनकी सुरक्षा की जाए, तो इसी के लिए आज जवाब आते उतर के कुछ तालाबों का निरीक्षण किया गया है, जिन तालाबों का पहले से भी उनको खाली कराना प्राथमिकता क्रम में था और अब उनको देखा है। उनको लिए मुख्यमंत्री आवास एवं अधिकार योजना के पट्टे आवंटित किए गए हैं और ये तालाब अब उनसे खाली कराए जाएंगे और अपने संरक्षण में लिए जाएंगे। अपने आसपास के तमाम छोट बड़ी खबरन का देखे खातिर बने रही विराट के बघेली समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।